What's up guys, welcome to Everything Auto Pro। स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक नई वीडियो में। तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गाड़ी के बारे में जो 2021 में इंडिया में आने के लिए प्लान्ड है। तो यार ऑडी ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि उनका जो सारा स्टॉक है इंडिया में BS4 वाला वो सोल्ड आउट है, और इसी के साथ उन्होंने एक नई वीडियो भी रिवील की है, एक नई वीडियो लॉन्च की है ऑनलाइन, जिसमें उन्होंने अपनी A3 सेडान जो कि 2021 में इंडिया में आने के लिए प्लान्ड है उसके बारे में बहुत कुछ हमें बताया है। तो यार मैंने उस वीडियो में क्या देखा, ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो ऑडी A3 को एक 2021 वाली सेडान होने में क्लासिफाई करते हैं, कौन से अच्छे फीचर्स हैं, कौन से यूजलेस फीचर्स हैं, एक्सटीरियर इंटीरियर कैसा दिखता है, तो इस वीडियो में हम बिल्कुल इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और मैं आपको अगली क्लिप में दिखाता हूँ ऑडी की वो वीडियो जो ऑडी ने रिलीज़ की है, और मैं उसी के साथ साथ आपको उसके फीचर्स भी बताता हुआ चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू ऑडी A3 जो ऑडी ने अभी अभी रिवील की है एक नए एड में, वो आपको मिलने वाली है ऑडी सेडान डिजाइन के एक सिमिलर टेम्पलेट पर। इस गाड़ी में आपको मिले हैं स्लिक प्रोपोर्शंस और एक क्लीन कट शेप। जी हाँ दोस्तों, ये गाड़ी पिछली जनरेशन A3 से काफी अच्छी और काफी स्पोर्टी है दिखने में। अगर मैं पीछे ही बात करूँ तो जो रूफ लाइन बूट में इंटीग्रेट होती है वो भी काफी स्मूथ है। इस बार शार्प लाइन्स नहीं दी गई हैं, पर फिर भी ये एक 3-बॉक्स सेडान ही रहती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं फ्रंट प्रोफाइल की तो इस गाड़ी को मिलता है एक सिंगल फ्रेम ग्रिल, और ये ग्रिल पहले वाली ग्रिल से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो हम इसे कह सकते हैं कि एक बड़ी सिंगल फ्रेम ग्रिल है जिसमें हनीकॉम्ब मेश डिज़ाइन दिया गया है, और इस डिज़ाइन के द्वारा इस गाड़ी को और भी ज़्यादा स्पोर्टियर लुक मिलता है। अगर आगे की बात करूं तो इस गाड़ी को मिलते हैं स्पोर्टियर LED हेडलाइट्स, और जो कि हर वेरिएंट में स्टैंडर्ड हैं। ये शार्प कट्स LED हेडलाइट्स हैं और इंटीग्रेटेड DRLs भी इसके साथ आते हैं। पर यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली ये है कि DRL का जो डिज़ाइन है वो हर वेरिएंट के साथ डिफरेंट मिलने वाला है। जी हाँ, अगर आप इसका बेस वेरिएंट देखते हैं तो आपको अलग DRL मिलेगी, और अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट देखते हैं तो वहाँ पे आपको अलग तरह की DRL मिलने वाली है। अगर फ्रंट प्रोफाइल में एक और हाईलाइट में बात करना चाहूँ तो वो है इसका स्कल्प्टेड बोनेट। इस गाड़ी में नॉर्मल बोनेट नहीं दिया है ऑडी ने, इस बार स्कल्प्टेड बोनेट दिया है जो स्पोर्टी फिनिश को डिफाइन करने में और भी ज़्यादा साथ देता है। ऑडी ने ओवरऑल कोशिश की है कि इस गाड़ी को स्पोर्टी दिखाया जाए पिछली वाली जनरेशन से। A3 जानी जाती है अपने स्पोर्टी लुक के लिए, बट इस बार ऑडी ने दूसरा ही अलग ही कमाल दिखा दिया यार। इतने सारे स्पोर्टी एलिमेंट्स इस गाड़ी में ऑडी ने इस बार दिए हैं। पीछे की बात करूं तो एक टाइनी सा छोटा सा स्पॉइलर ऑडी ने इस गाड़ी में दिया है, जो कि इस बार ऑडी आपको ऑप्शन दे रही है कि आप उसे कार्बन फाइबर में भी ले सकते हैं। जी हाँ, अभी तक आफ्टर मार्केट में ऐसा सब सामान आपको लेने जाना पड़ता था, बट अब ऑडी ने आपके लिए आसान कर दिया है कि अगर आप कार्बन फाइबर के फैन हैं तो आप अपना स्पॉइलर कार्बन फाइबर में ऑडी से ही बनवा कर ले सकते हैं। टेल लाइट्स की बात करें तो ये भी एक यूनिक LED सिग्नेचर के साथ आती हैं, जिसमें बाहर तो आपको वर्टिकल स्ट्रिप्स मिलती हैं पर अंदर जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइटिंग मिलने वाली है आपको A3 की टेल लाइट्स में। इसके बाद बात करते हैं यार अंदर की, तो केबिन के अंदर आपको मिलता है एंगल्ड सेंट्रल कंसोल, जो हमने अभी तक सीधी सीधी लाइंस देखी थी पिछली वाली ऑडी A3 में, इस बार वो हटा दिया है, और एंगल्स पे मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी फिनिश और स्पोर्टियर लुक देता है अंदर से भी ये गाड़ी को। इंफोटेनमेंट की बात करें तो यार 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट ऑडी ने इसमें दिया हुआ है, जो आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट करेगा। ये कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑडी की बात कर रहे हैं हम, काफ़ी प्रीमियम रेंज की गाड़ी है, तो सब नए फीचर्स ऑलरेडी वो बोले बिना ही सपोर्ट करेगा। अगर मैं इंफोटेनमेंट के राइट साइड में देखूं तो अब मुझे मिलता है 10.25 इंच का एक वर्चुअल कॉकपिट, जो कि ऑडी पहले से देता आ रहा है, पर इस बार ऑडी ने इसमें एक अच्छा फीचर दिया है जो है हेड्सअप डिस्प्ले। ये फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर रहने वाला है यार, तो मैं अभी इसी बात पे बता देता हूँ कि हेड्सअप डिस्प्ले क्या होता है। आपको अपने वर्चुअल कॉकपिट में गाड़ी के आगे का सारा नज़ारा देखने को मिलता है। जी हाँ, अगर आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि किस तरह हेड्सअप डिस्प्ले काम करता है तो ये अच्छा है। अगर आपको नहीं इसमें क्लियर हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए इस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि हेड्सअप डिस्प्ले होता क्या। तो यार इसके बाद बीच में अगर हम आते हैं तो हमें मिलता है टच वॉल्यूम कंट्रोल। पिछली जनरेशन में ये बटन्स के साथ दिया गया था, बट इस बार ऑडी ने इसे अपग्रेड कर दिया है एक टच वॉल्यूम कंट्रोल की फॉर्म में। अगर इस वॉल्यूम कंट्रोल के पीछे देखूं तो एक छोटी सी गियर स्टिक ऑडी ने इसमें दी है, पेन ड्राइव के साइज की दे दी है यार इस बार ये गियर सेलेक्टर।
गियर स्टिक या गियर सिलेक्टर जो भी आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा यूज़ करने में, काफ़ी छोटा है ये गाड़ी के मुकाबले, पर अगर आप कंट्रोल एक बार कर लेंगे तो आपको इसकी आदत भी पड़ जाएगी, तो आई डोंट थिंक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। मोर और लेस ये गाड़ी सेम ही है पिछली वाली जनरेशन की तरह, बट ऑडी कहता है कि इस वाली में ज़्यादा हेडरूम और ज़्यादा एल्बो रूम दिया गया है। इसके साथ आपको मिलता है स्मार्ट बूट दिया, जैसे आजकल नॉर्मल गाड़ियों में भी आ गया है, जैसे आपने हुंडई वर्ना या स्कोडा कई गाड़ियों में देखा होगा, आपको जस्ट अपना फुट मूव करने की जरूरत होती है नीचे और बूट आपके लिए ओपन हो जाता है। जैसा ही मैंने पहले भी बोला, ऑडी क्लेम करता है कि इस बार उन्हें ज्यादा हेडरूम और एल्बो रूम दिया है, तो देखते हैं यार, गाड़ी को फिजिकली जब तक नहीं देखेंगे हम कुछ नहीं कॉमेंट कर सकते इस पर, तो जब तक गाड़ी शोरूम्स में नहीं आती इस बात का कोई कन्फर्मेशन नहीं है। इंजन की बात करें तो एक 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन इसमें मिलने वाला है, 150 हॉर्स पावर जनरेट करेगा, और ट्रांसमिशन जो कि है ऑब्वियसली इसमें मैनुअल तो नहीं मिलने वाला है आपको, तो 7-speed DCT आपको मिलता है ऑडी A3 2021 के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही S3 और RS3 वर्जन्स भी ऑडी इसके रिवील कर देगा। तो यार, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ऑडी A3 के अभी तक के जो स्टॉक्स थे वो कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो चुके हैं, तो ये वाली ऑडी A3 का वर्जन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिड 2021 में इंडिया में आएगा, और अराउंड 35 लाख रुपए की इसकी प्राइस रहने वाली है। तो यार, ये ऑडी A3 जब इंडिया में आएगी तो ये कॉम्पिटिशन सीधा सीधा देगी मर्सिडीज ए क्लास और BMW ग्रांड कूपे को। तो यार, इसके इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी, तो अपने दोस्तों, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल रंग का बटन दबा दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, इससे होगा क्या, जब मैं नई वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगी आपके पास। तो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।